नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए रिजल्ट के बाद आप लोगों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है कब से कितने तारीख से आपकी चालू होने वाली है, और वहां पर आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों को चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। और हाँ, ये भी आपको दिखाएंगे कि थोड़ा आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी कितनी रहने वाली है। बिल्कुल बिग एवं ब्रेकिंग न्यूज है, तो ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है, सारी चीज आप लोगों के समझ में एवं क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटों को देख लेते हैं, बाकी पूरी प्रक्रिया आपको समझा देंगे। देखिए, सबसे पहले बीएसटीसी फॉर्म 2023 के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी 2023 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो, ठीक है। एक तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, याद रख लेना है। एक आपके पास 12वीं की भी मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड आप लेना जरूर जाइएगा जो, ठीक है। एक जाति प्रमाण पत्र याद कर लेना आपका, EWS प्रमाण पत्र जिनको छूट चाहिए जो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, EWS जो भी है जनरल वाले जिनके लिए EWS जो, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, और ईमेल आईडी हो वो भी चाहिए। और हाँ, एक दो चीज इसमें लिखी गई नहीं है, याद रख लेना, आपके पास आधार कार्ड, ठीक है। आधार आधार कार्ड भी आप लोगों के पास होना चाहिए, याद रख लेना, ऐसे लेना मत भूल जाएगा कि आधार कार्ड ना हो। दूसरी बात, एक आधार कार्ड हो गया, एक आपके पास जो ये रिजल्ट आया ना, रिजल्ट की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, है ना। रिजल्ट आया है इसकी आपके पास फोटोकॉपी भी होना बहुत जरूरी है जो, ठीक है। हार्ड कॉपी इसके पास इसकी आपके पास रख लेना जरूर है जो, ठीक है। ये तो आपके डॉक्यूमेंट हो गए। अब देखो, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल चल रहा है कि सर हमारा जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है ये कब तक चालू होने वाली है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता है रिजल्ट के बाद, और जाहिर सी बात है 29 तारीख को आपको रिजल्ट आ गया था, तो देखिए 5 से, अब मतलब यही देख लेना आप, 6-7 तारीख तक आपकी शायद ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 6-7 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया आप लोगों की चालू हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, ठीक है, तो उसमें जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिले हैं, जिन जिन को नहीं मिले हैं, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा जो, ठीक है। अब रही बात आपकी कट ऑफ से संबंधित है जो, देखिए जिनको लग रहा है कि हमें, देखिए आप लोग नंबर हमें बताते नहीं है, कमेंट करके नंबर बताएं जब, तो हम भी आप लोगों के लिए बता दें। लेकिन अगर आप लोग नंबर बताते नहीं है तो दिक्कत ही आती है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास ना, आप लोगों के पास कितने कितने नंबर आ रहे हैं ना, कितने कितने नंबर आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए और भी बेटर करके आपकी जो कट ऑफ है उसके संबंधित आपकी एक वीडियो अच्छी सी बना दें। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है जो भी देखने वाला है, देखिए बीएसटीसी से संबंधित, बीएसटीसी से संबंधित जो भी आपकी जानकारी रहेगी वो इसी पर रहेगी, इसलिए आपको एक भी जानकारी को मिस नहीं करना है भाई, ठीक है, याद रख लेना। अब बात रही आपकी कट ऑफ के बारे में, तो आप अपने अपने वो कर देना, आप लोग अपने अपने नंबरों को जरूर हमारे पास भेज देना इसी कमेंट के नीचे, हम आप लोगों के लिए एक जरूर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब एक बार सभी के सभी लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जुड़ जाओ भाई। और शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए वो भी चलती है, क्लासें चलती हैं सीईटी के लिए जो, ठीक है। सीईटी आपके आने वाले एग्जाम बीएसटीसी, अभी से तैयारी करना आरंभ कर दो जिनके कम नंबर आ रहे हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9680817998, इस पर जुड़ जाओ। कोई भी यहाँ पर सारी चीज़ की सुविधा आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।